नाउ वी कैन सी कंपैरिजन ऑफ फॉस्फोरेसेंस विद फ्लोरेसेंस. दोनों का जो एमिशन है फोटोल्यूमिनेसेंस की जो प्रॉपर्टीज हैं फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस, उनमें हम देखेंगे क्या डिफरेंस है, वो कैसे एक दूसरे के अंदर एक दूसरे को कंपेयर करती है, उनकी सिमिलरिटीज़ क्या हैं, उनकी डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं. सबसे पहले हम सिमिलरिटीज़ देखते हैं कि बहुत फिनोमिना जो होते हैं वो यूवी और विजिबल रेडिएशन की वजह से होते हैं स्पेक्ट्रम की. दीज आर रिगार्डेड एज द सेकेंडरी प्रोसेसेस. देखो आपके पास जब एब्जॉर्प्शन हो जाएगी, एब्जॉर्प्शन इज़ द प्राइमरी स्टेप, उसके बाद जितना भी स्टेप रीएमिशन का आएगा वो आपके पास सेकेंडरी प्रोसेसेस होते हैं. बोथ फिनोमिना आर कंसिडरेबली अफेक्टेड बाय द सब्स्टिट्यूएंट इन द मॉलिक्यूल. अगर आपके मॉलिक्यूल में अगर हम ग्रुप चेंज करते जाएँ, एडिशन ग्रुप की करते जाएँ या रिमूवल करते जाएँ, या कंपाउंड जिस तरह से ऐड कर रहे हैं कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स हों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो होते हैं वो आपकी इन्हेंस करते हैं फॉस्फोरेसेंस प्रॉपर्टीज़ और फ्लोरेसेंस को. बल दूसरी तरफ अगर किसी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज़्यादा होते जाते हैं तो इट कैन डिस्ट्रॉय द फिनोमेना फॉस्फोरेसेंस एंड फ्लोरेसेंस. इन दोनों के दरमियान की जो डिसिमिलरिटीज़ हैं आपके पास, डिफ्रेंसेस हैं, हम उन्हें देख लेते हैं. पहला डिफरेंस आपके पास क्या है फ्लोरेसेंस का, इट एग्जिबिटेड बाय गैसेस लिक्विड एंड सॉलिड. ठीक है, नो फ्लोरेसेंस विल ऑब्जर्व्ड इन गैसेस अनलेस द प्रेशर इज लो, इट इज़ शोन मेनली बाय सॉलिड्स. दूसरा इसका है इट इज़ इंस्टेंटेनियस, ये फ़ौरन हो जाता है 10^-6 to 10^4 seconds. देखो बहुत ही कम टाइम में पता भी नहीं चलना. यू वी और विजिबल लाइट इट स्टॉप सून एज इंसिडेंट लाइट कट ऑफ, दैट मीन्स सोर्स कट, तो ये भी सारा कट. इसका मतलब लाइफ टाइम फ्लोरेसेंस का बहुत छोटा होता है. सब्सटेंस शो फॉस्फोरेसेंस री एमिट एक्सेस रेडिएशन विद इन 10^-4 to 20 seconds. यू कैन सी इट इज़ अ लॉन्ग टाइम एज कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस. वो कहाँ 10^-6 to 10^4 छोटा सा टाइम पीरियड, और ये कहाँ 10^-4 to 20 seconds तक. अर्थस लाइफ टाइम ऑफ फॉस्फोरेसेंस इज मच लॉन्गर दैन फ्लोरेसेंस, इट डज नॉट स्टॉप एज सून एज द सोर्स इंसिडेंट लाइट कट ऑफ. थर्ड इसका डिफरेंस है एक्सटेंट टू फ्लोरेसेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट. फ्लोरेसेंस किस तरह का होगा, कब किस तरह नेचर उसकी होगी, ये डिपेंड करता है फर्स्ट सॉल्वेंट क्या है, और सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है कि आपके सॉल्यूशन में एनायनिक स्पीशी कौन सी हैं. ठीक है, दूसरा आपके पास है द टाइम फॉर विच द रेडिएशन इज एमिटेड फ्रॉम द फॉस्फोरेटेंट कंपाउंड. ये डिपेंड करता है कि आपके पास सब्सटेंस की नेचर क्या है, और समटाइम्स ऑन द टेम्परेचर वेरिएशन, टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है. उसके अलावा आपके पास हैं कि फ्लोरेसेंस फ्लोरीमेट्री इज़ कंपैरेटिवली सिंपल. फ्लोरेसेंस का फिनोमेना दिन के थ्रू जाता है फ्लोरीमेट्री ऑपरेटर्स, ये ज़रा सिंपल होते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है वाइडर एप्लीकेशन में, जबकि फॉस्फोरेसेंस थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोरेसेंस, और इसके जो यूजेज हैं वो भी लिमिटेड हैं. फ्लोरीमेट्री जो है आपके पास इस जनरल फ्लोरीमेट्री आपके पास लेस सेंसिटिव होती है देन फॉस्फोरीमेट्री, और यहाँ पे ये थोड़ी सी सेंसिटिव होती है. इसमें आपके पास स्कैटरिंग प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होते हैं फ्लोरेसेंस में, जबकि स्कैटरिंग का इशू फॉस्फोरेसेंस में बहुत ही कम होता है या एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, उसके बाद आपके पास आ जाता है कि क्वांटम एफिशिएंसी जो होती है. क्वांटम एफिशिएंसी फ्लोरेसेंस की क्या होती है, इट डिपेंड्स अपॉन the number of photons of luminescent radiation to the number of photons absorbed from the stimulating light. ठीक है, depend upon the fixed wavelength. The quantum value of fluorescence increases proportionality to the increase in wavelength absorbed. जितनी ज़्यादा intensity आपकी absorption की होगी उतना ज़्यादा ये emission fluorescence यानी उसकी yield की भी ज़्यादा आती है. ठीक है, जबकि quantum efficiency दूसरी तरफ देखें तो हमें ये पता है कि fluorescence के comparison में फॉस्फोरेसेंस ज़रा लंबे टाइम तक चलती हैं. ठीक है, और इसका एक एडवांटेज ये भी है कि ये लो टेम्परेचर भी हो जाता है. ठीक है, इसमें क्विंचिंग का मसला नहीं होता जो अब्जर्व होता है फ्लोरीमेट्री में. ठीक है, अब क्विंचिंग क्या होती है और ये क्या है फिनोमेना है, तो ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ यहाँ पर कि क्विंचिंग क्या होती है. सो क्विंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस, यानी क्विंचिंग बेसिकली क्या होती है, इसका मतलब है कि जब फोटो केमिकल एक्साइटेशन हो रही होती है, मॉलिक्यूल्स एक्साइटेड हो रहे होते हैं, वो मॉलिक्यूल्स जब एक्साइटेड होते हैं तो वो आपस में भी टकराना शुरू कर देते हैं विद इन द, यानी आपने लाइट एक एटम की फॉल की पर वो अब
दौरान ये होता है कि फ्लोरेसेंस फिनोमेना से पहले पहले ही वो आपस में टकरा के अपनी एनर्जी को ट्रांसफर कर सकते हैं या स्टॉप कर रिएक्शन को स्टॉप कर सकते हैं कि वो फ्लोरेसेंस की तरफ मूव ऑन ना करें। दैट मीन्स अगर कोई मॉलिक्यूल एक्साइट हो रहा है, एक लाइट अपने फॉल कराई है, तो वो सर्टेन एटम अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपने मॉलिक्यूल्स के साथ नियर बाई सराउंडिंग जो एटम्स हैं उनके साथ टकराना शुरू कर देता है, उन्हें टकरा के एनर्जी ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। ये कब होता है? जब आपका फ्लोरेसेंस का फिनोमेना स्टार्ट हो उससे पहले ये काम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है आपके पास या तो फ्लोरेसेंस होती है बहुत कम या तो फिर होती ही नहीं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्वेंचिंग ऑफ फ्लोरेसेंस। तो ये चीज़ें हमें फ्लोरेसेंस के फिनोमेना में ज़्यादा नजर आती हैं एज कम्पेयर टू फॉस्फोरेसेंस। नाउ एप्लीकेशन से आपके पास ये फॉस्फोरेसेंस कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही होती है, तो इसके यूजेस हैं आपके पास ल्यूमिनेसेंस पेंट्स में हम यूज़ करते हैं इसको, ल्यूमिनेसेंस पेंट्स में आपके पास 2.5 अल्कली क्लोराइड्स होते हैं, ट्रेसेस ऑफ एरोमेटिक्स होते हैं, इस तरह के मिक्सचर को यूज़ करते हैं इसमें। डिटर्मिनेशन ऑफ एस्पिरिन, हमें अगर ब्लड सीरम में अपने ब्लड में हमें चेक करना हो एस्पिरिन की क्या डिटर्मिनेशन है, तो हम फॉस्फोरेसेंस यूज़ करते हैं जो वाया फॉस्फोरेसेंस हम पता कर चला सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके लो कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोकेन कोकेन या फिनॉल बार्बिटल, ये सारे नाम हैं आपके पास नेचुरल प्रोडक्ट्स की, कुदरती तौर पर जो चीज़ें हासिल की जाती हैं उनको, एंड क्लोरोप्रोमेसिन इन ब्लड सीरम, यानी आप ये कह सकते हैं कि ब्लड लेवल में हमारे पास जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं मौजूद होती हैं उनकी कंसेंट्रेशन को चेक करना। उसके अलावा इसके यूजेस हैं आपके पास डिटर्मिनेशन ऑफ कोकेन एंड नेट्रोक्वेरिन्स इन यूरिन, सेपरेशन ऑफ 3 टोबैको अल्कलॉइड्स, अल्कलॉइड्स मतलब नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं नेचुरली जो प्लांट से हासिल किए जाते हैं अल्कलॉइड्स, निकोटीन नॉन निकोटीन एंड एनाबेसिन, इन तीनों की को हम टोबैको अल्कलॉइड्स को सेपरेट कर सकते हैं वाई यूजिंग फॉस्फोरोमेट्री। ठीक है,